नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। 5 अगस्त से पुलिस की हिरासत में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक नई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इन 7 महीनों में ये दूसरी तस्वीर उमर अब्दुल्ला की सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इन दोनों ही तस्वीरों में उमर अब्दुल्ला बड़े ही अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों में वो पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। जब से उन्हें हिरासत में रखा गया है तब से उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ा ली है। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के एक दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला को प्रिवेंटिव कस्टडी में लाया गया था। इस साल की शुरुआत में उन पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। उमर अब्दुल्ला के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में रखा गया है। ताजा तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला की वायरल हो रही है वो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इसमें बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीसीए के तहत उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी के खिलाफ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सारा ने 10 फरवरी को शीर्ष अदालत का रुख कर जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून 1978 के तहत अपने भाई की हिरासत को अवैध बताया और कहा कि शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर उनसे किसी खतरे का सवाल नहीं उठता। सारा अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को पेश किया गया था। अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही अमन और शांति बनाए रखने के लिए वहां के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन ये नजरबंदी भारतीय लोकतंत्र पर कई सवाल खड़े करती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।